चंद्र की जय। इसका एक नदी के तो आप देख सकते हैं कितना हाइट है, बहुत कम ही हाइट है। खस्ता कचौड़ी है ना ये। ए बाबू हमारे नींबू थोड़ा ज्यादा डालिया। एक खिलाओ यार, एक खिलाओ, टेस्ट करे कैसा लगता है। एक पीस मात्र, एक पीस थोड़ थोड़। ये इसकी ओरिजिनल की पहचान बिकने को तो बहुत जगह बिकता है, बहुत सस्ता भी, बहुत खाने भी। इन गारंटी के साथ में सब दवाई बेचते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश निषाद और मैं अभी आया हूँ अपने दोस्त सुमित के पास और ये तैयार हो गया है लगभग। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं अयोध्या। ये हमारा फर्स्ट टाइम है अयोध्या में। तुम्हारा सुमित, तुम कभी गए हो? मेरा भी फर्स्ट टाइम है। हम दोनों का ही फर्स्ट टाइम है और हमारे साथ साथ प्रदीप भी आ रहा है और चंचल भी आ रहा है। चंचल को हम लोग सिंगरा मॉस उठाएंगे। पहले प्रदीप आएगा अपने घर से, हम लोग रोडवेज भी मिलेगा। उसके बाद हम लोग चंचल को सिंगरा मॉस लेंगे ना, सिंगरा मॉस लेंगे। उसके बाद हम लोग अयोध्या के लिए रवाना होंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम लोग अयोध्या जाने के लिए सुमित के घर से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं रोडवेज। वहाँ पे प्रदीप होगा और सिंगरा मऊ में चंचल, तो हम लोग सिंगरा मऊ से उसको लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से सुल्तानपुर, फिर सुल्तानपुर से वहाँ फैजाबाद के लिए बस मिलेगा वहाँ से ना। बने रहिएगा और हम लोग काफ़ी ज़्यादा फन करेंगे, हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय कीजिएगा। चलते हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने। जय श्री राम। अब हमें करना होगा अपने जौनपुर को टाटा बाय बाय एंड लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ अयोध्या। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज बी हैंड फॉर मिस्टर चंचल। तो चंचल जी हमारे बीच आ चुके हैं और हम लोग चारों लोग सफर का आनंद लेते हुए अयोध्या के पावन नगरी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं, सुल्तानपुर जिला, और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इधर हैं, तो चलो इनके पास चलते हैं। हाँ भाई, अब यहाँ से क्या करना है? अभी कहाँ पे हैं हम लोग सुमित, प्रदीप, चंचल? कुछ भवनपुर की नगरी में, कुछ भवनपुर सुल्तानपुर जिला सुल्तानपुर। रोडवेज है यहाँ, यहाँ से लगभग रोडवेज है ये, मीटर दूर नहीं यार, आगे आगे। और ये चौराहा है, यहाँ से हम लोग फैजाबाद के लिए बस पकड़ेंगे और यहाँ पे अभी ट्रैफिक लगा हुआ है, हम लोग को रिक्शे वाले ने यहीं रोक दिया है, तो हम लोग अब यहाँ से पैदल जाएंगे, तो चलते हैं अब।
बस स्टॉप पे हम लोग काफ़ी इंतज़ार किए लेकिन कोई बस नहीं मिला, तो सुमित ने ओला बुक किया। एक ओला नहीं है, डायल पे है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। हाँ, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो जस्ट डायल पे अंदर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आ जाएंगे। ऑनलाइन ले लेना भैया पेमेंट। हाँ बस ठीक है, चलिए अब कुछ ही छोड़ा और बस। कितना टाइम लगेगा भैया? भैया एक डेढ़ घंटा लगेगा। एक डेढ़ घंटा में भैया हम लोग को पहुँचा देंगे, वजह से हम लोग सुरक्षित और जल्दी पहुँच जाएंगे। सुरक्षित कहना अभी अच्छी तो नहीं होगा, के साथ ईद का ईद को सुनते हुए गुनगुनाते हुए हम लोग पहुँचेंगे। हाँ, यहाँ पे एकदम स्लो में ना गाना भी बज रहा है मस्त। वाह वाह, क्या गाना लगाया अभी आप। हेलो, अभी हम लोग अयोध्या बस स्टॉप पे आ गए हैं। उसका कुछ आउटर लुक है यहाँ पे बस स्टॉप। यहाँ के लोकल लोगों से हम लोग पूछा धाम जाने के लिए क्या सूटेबल पड़ेगा, मतलब सबसे कन्वीनियंस क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि विक्रम, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो तो आप बैटरी रिक्शा कर सकते हैं, बट हम लोग प्रेफर करेंगे विक्रम क्योंकि वो 20 रुपये चार्ज लेगा पर हेड। और जा रहे हैं बैटरी रिक्शा पकड़ने, बैटरी रिक्शा नहीं विक्रम, विक्रम विक्रम या बैटरी रिक्शा जो भी प्रीफर करेंगे अभी आगे। हाँ, तो पता करने के बाद तो उसके थ्रू हम लोग अब अयोध्या धाम के निकल रहे हैं और यहाँ से लगभग अयोध्या धाम 5 से 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर कुछ कम। हाँ, उसी के रेंज में होगा, तो चले चलते हैं बैटरी रिक्शा की तलाश। ये रिक्शा मिल गया है, अगर इस पर बैठेंगे तो आपको 20 रुपये लगेगा बस स्टॉप से, और अगर आप बैटरी रिक्शा वगैरह करेंगे तो लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं। मुझे अब जाके समझ में आया कि विक्रम 20 रुपये क्यों लेता है। ये 20 रुपये लेता है और जम के सवारी भरता है बिल्कुल ठूस ठूस के। आप अयोध्या बस स्टॉप से विक्रम ले सकते हैं अगर आपको अपनी हालत ऐसी करवानी हो तो, अदरवाइज आप ई रिक्शा कर सकते हैं या फिर ऑटो कर लीजिए, वो काफ़ी कंफर्टेबल होगा। फाइनली जिसका इंतज़ार हम लोग इतने देर से कर रहे थे, इतना ज़्यादा ट्रैवल किए बस फिर कार और फिर बैटरी रिक्शा, नहीं सॉरी बैटरी रिक्शा नहीं विक्रम, उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अयोध्या धाम हमारे यहाँ से कुछ ही कदमों पे है। यहाँ से लखनऊ 141 किलोमीटर, कपूर 236। एग्जैक्टली हम लोग नया घाट पे हैं। यहाँ का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, यहाँ पे सारी चीज़ लगभग है। यहाँ पर है रामकथा पार्क 300 मीटर और यहाँ पे हेलीपैड वगैरह सब कुछ है, बिल्कुल पास पास में ही है। हम लोग ऐसे घूम ही रहे थे इसका मतलब सराउंडिंग में, अंदर अलाउड है देख रहे हो। और नए घाट पे हम लोग को सबसे अट्रैक्टिव चीज़ कुछ दिखा तो ये है वो सरस्वती जी का बीड़ा, अभी हम पास में जाके दिखाएंगे आपको। ये है यहाँ पे कहते हैं ना, देखो एक बंदर अपने बच्चे को लेके जा रहा है। देखो आपने बहुत सुना होगा कि बिहेवियर फ्रॉम डॉग, यहाँ पे आपको जगह जगह पर मिलेगा बंदरों से सावधान रहें। ये लता मंगेशकर चौक है, ये हम लोग इस समय लता मंगेशकर चौक पे हैं और ये वीड़ा सरस्वती जी का, लता मंगेशकर जी जिनको स्वर कोकिला कहा जाता है,
उनके नाम को डेडिकेट करते हुए ये बीड़ा बनाया गया। बहुत अब यहीं से प्लान करेंगे हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहीं से पास में ही रामकथा पार्क है और संत तुलसीदास घाट, हेलीपैड, बाकी और भी चीज़ें हैं। अब यहीं से हम लोग निकलेंगे, वहाँ एक एक करके हम लोग, बगल में एक वो लगा है क्या, टीवी है ना, एलसीडी स्क्रीन लगा है जिसपे सब कुछ दिखाई दे रहा है, कनक भवन, हनुमान गढ़ी, बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे फेमस चीज़ें का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सब कुछ दिया गया है। और यहीं से हम लोग देख के डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ चलना है आगे। ये बीड़ा स्टैचू के जस्ट सामने ही महाबली हनुमान जी का प्रतिमा है, जो मतलब कवर्ड है। ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये यहाँ का लोकेशन सुश्री लता मंगेशकर चौक। चलते हैं रूम ढूंढते हैं, ठीक है? रूम ढूंढने नहीं, अभी फिर चलेंगे आगे। अरे रतिया भर घूमोगे? नहीं, सबसे पहले हम लोग रूम ढूंढेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेश होंगे और फिर वहाँ पे बैग वैग रख के फिर खाना खाने के लिए आएंगे। यहाँ समय 12 बज रहा है लगभग, बट माहौल काफी ज्यादा, दुकान वगैरह है यहाँ पे और सारी दुकानें खुले हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि अगर आप 12 बजे आएंगे तो आपको कोई चीज ना मिले। लगभग सभी चीजें हैं, मिल जाएंगी, मतलब एसेंशियल चीज़ें सारी मिल जाएंगी आपको, दुकानें हैं, भोजनालय है, लॉज है, इस एरिया में सभी वो चीज़ हैं जो आपको एक मतलब रिक्वायरमेंट होगा। अभी ये लोग तो खाएंगे पिएंगे, ये खाता ही नहीं कुछ और हमको लग जाती है भूख। चलें कैसे, आओ प्रसाद लेते हैं। प्रसाद यहाँ नहीं मिलेगा। अरे मिले कैसे नहीं? ये है कुछ डिस्क्रिप्शन, वीडियो में हम भी आ जाएं लेते हैं भाई। पहले एक मिनट, चंचल, प्रदीप, सुमित, कैसा लग रहा है आप लोग को अयोध्या के पावन धाम आके, कैसा लग रहा है? हम सबको अच्छा लग रहा है, बहुत ही दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही, बहुत ही बेहतरीन। बहुत दिनों बाद आना हुआ। बहुत दिनों, तुम पहले आ चुके हो? बहुत दिनों बाद आना हुआ, मतलब अच्छा रहे थे हम लोग। हाँ, हम लोग काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे बट आ नहीं सकते, आ नहीं पाए किसी कारणवश। और ये हम लोग का फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, हम लोग का ये यहाँ पे फर्स्ट विजिट है और देखते हैं क्या कहाँ कहाँ घूमेंगे, अभी कुछ हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया। कोशिश करेंगे कि जितनी कठिनाइयाँ हम लोगों को ही, आप लोगों के लिए थोड़ा सरल बना दें। हाँ, ताकि आप लोगों को पहले आनंद ले सकें आगे। तो चलो चलिए आगे। इस समय हम लोग चारों तरफ हम लोग के बंदर ही बंदर है, हम लोग घिरे हुए हैं बंदर से, देखो। अरे लोग काफी डर रहे हैं। पापा आ रहे हैं। पापा आ रहे हैं। पापा यही है। ये रेस्टोरेंट है, भोजनालय है, यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। ये भोजनालय नए घाट की बिल्कुल करीबी है और यहाँ का प्राइस भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। 60 रुपये का इनका साधारण थाली है और लास्ट इनका 175 रुपये का लास्ट थाली है जो पनीर वाला है। और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट भी ठीक ठाक ही है, प्राइस को अपने जस्टिफाई करता था। हमने 60 रुपये वाला थाली खाया था तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा टेस्ट था। अब हम लोग चलेंगे घाट की तरफ, वहाँ देखते हैं कैसा नज़ारा है। नाइट सीन है, इस समय हम लोग जो घाट में हैं, ये सरजू घाट कुछ है, इस समय पूरा सन्नाटा है बिल्कुल भी, सारे जो ये क्या कहते हैं इसको, मड़े जैसे बना हुआ है, यहाँ पे तख्त लगे हुए हैं, यहाँ पे फूल वगैरह बेचते हैं डेफिनेटली, और क्या बेचेंगे। ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है, सरजू घाट है यहाँ का मेन घाट, यहीं पे लोग नहाते हैं, यहीं पे गंगा आरती वगैरह होता है। और सुमित और प्रदीप गया है इस पीछे वाले पार्क में घूमने, वहाँ लेटा हुआ है, लेटा मतलब बैठा हुआ है। हम लोग का सुबह होने का वेट करेंगे, नहीं तो अभी देखते हैं, अभी सुमित गया तो है रूम के लिए, फिर देखते हैं क्या सीन है। चलो देखते हैं, जैसे तैसे रात गुजारेंगे, उसके बाद सुबह यहाँ से स्नान करके हम लोग हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, उसके बाद
मेन जो मंदिर है वहाँ जाएंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग कि राम जी का दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। तो मिलते हैं अब सुबह अभी। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। 3 hours later. गुड मॉर्निंग गाइस, ठंडी बहुत भीषण पड़ रही है। सुमित का देखिए क्या हाल है। तो ठीक है, ये साल भी कोई मंगवाएगा, दिखाओ ना कंबल। हम तो तौली लपेटे हैं, हम कुछ लाए ही नहीं थे। प्रदीप वैसे ही टहल रहा है, चल आया था वो बैग में रखी। अब हम लोग का ना आने की इच्छा हो नहीं रही है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंड है। तुम अब ना बोलो ना, हम लोग का कहा बता रहे हो, हम लोग तो नहाने जा रहे हैं। बात नहीं है। नहीं सही बात। चलोगे नहाने? चलेंगे। कब? चलो आओ, कपड़े उतारो मेरे सामने। चलो हिम्मत किया है अभी तो। वीडियो देखते हैं। वीडियो देखते नहीं? हाँ, बहुत हिम्मत वाले। अच्छा, हिम्मत वाला पार्ट 3 अगर बनेगा तो इसी को लिया जाएगा हीरो। बहुत हिम्मत वाला। ये नदी सरयू नदी है। और चंचल भी आ गया है फ्रेश होके। हम सारे जाएंगे नहाएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे राम दर्शन के लिए। वहीं डुबकी मार लो। वीडियो देखी नहीं? हाँ, बहुत हिम्मत वाले। हो गया तुम लोग का, डुबकी मारो, डुबकी मारो, डुबकी मारो। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब हम लोग स्नान करके आ चुके हैं सरयू जी में। अब आगे हम लोग सोच रहे हैं कि चलें मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ से 1 किलोमीटर हनुमानगढ़ ही है, उसके आगे हम लोग चलेंगे तो वहाँ से श्री राम जन्मभूमि, जहाँ हम लोग रामलला के दर्शन करेंगे ना। हम लोग हाँ, हनुमानगढ़ ही जाएंगे। अब जो जो छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बने हैं, कहाँ पीछे करो, उधर दिखाओ। छोटी छोटी जो जगह है यहाँ हम लोग ऐसे घूमते हुए चलेंगे,
पीछे एक बार वो एक बार लास्ट नदी, हाँ नदी, सरयू जी, सरयू जी के दिखा दो, ऐसा कुछ है व्यू, जस्ट पीछे ही है हम लोग के, और ये पीपल का पेड़ है। किसका हमारा एक्सपीरियंस तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है जर्नी, और यहाँ पे घूमने में भी काफ़ी अच्छा लगा है हम लोग को, और काफ़ी अच्छे अच्छे दृश्य है यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पीछे भी, और पीछे भी एक वहाँ पे सरयू नदी के जस्ट अपोजिट साइड बोल सकते हैं एक यहाँ पे भी, तो इसके बारे में है नहीं, सरयू नदी का ही पार्ट है वो। हमें लग रहा था कि ये केवल इधर दिखाओ जा सुमित, ये केवल एक तालाब जैसा है और नदी का ही डिवाइड है, बट आप यहाँ देखिए काफ़ी सुंदर दृश्य है, ऐसा लग रहा है ना कोई छोटा झरना टाइप है, बिल्कुल पानी का साउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम पास ले जाकर दिखा रहे हैं आपको, वहाँ पे सब नहा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अलाउड नहीं है, और इसका हाइट बहुत कम है, लगभग 5 फीट 6 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं है, तो आप यहाँ तैर भी सकते हैं। कितना बहुत अद्भुत अविश्वसनीय है। उधर देखो बिल्कुल बीच में है नदी, नदी के तो आप देख सकते हैं कितना हाइट है, बहुत कम ही हाइट है। ये है, ये सरयू नदी का ही पार्ट है, अभी हम लोग ब्रिज के पास जाएंगे, अभी हम लोग ब्रिज के पास जाएंगे तो वहाँ से देखेंगे कि ब्रिज के उस पार से कैसा दिख रहा है, लेकिन अभी ये देखो आप, इसका साउंड अभी जो आपने वाटरफॉल देखा वो एक मैकेनिज्म की वजह से हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ मशीन लगे हुए हैं जो बहुत तेज़ी से पानी बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से वह झरने की तरह हमें दिखाई दे रहा था।
वे ऑफ हनुमानगढ़ी। अब हम ही लोग हनुमानगढ़ी के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से यही पुराना वाला इमारत मंदिर है। ये साइड साइड में कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और अपना सामान भी वहीं रख सकते हैं। हम लोग का माइक टूट गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अदरवाइज मैं सेल्फी स्टिक में ही करता। हाँ पूरा रास्ता दिखाएंगे भाई, कैसी बात कर रहे हो यार। पहला डेस्टिनेशन हम लोग से लगभग 50 कदम दूर है। यह वही स्थान है जहाँ पे श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया था कि आप यहाँ पे रहकर अयोध्या की रक्षा करें, और ऐसा माना जाता है कि महाबली हनुमान आज भी यहाँ पर रह के अयोध्या की रक्षा करते हैं। हनुमानगढ़ी में महाबली हनुमान का बाल रूप का प्रतिमा है जो माता अंजना की गोद में विराजमान है। हम लोग का पहला डेस्टिनेशन पूरा हो चुका है। हमारा पहला डेस्टिनेशन था कि हनुमान जी का दर्शन करना और उसके बाद राम जन्मभूमि का दर्शन करना। हमने हनुमान जी का दर्शन कर लिया है। अब हम अपने एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हमें चार्ज होने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भाई खाना जरूरी है और हमने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो दर्शन के पश्चात हम लोग कुछ खाते हैं। तो यहाँ का जो लोकल फूड है, जो आप अगर यहाँ पर आप आएंगे तो हर जगह आपको ये कचौड़ी वाले, जो खस्ता कचौड़ी यहाँ पर ऐसे कहते हैं लोग, ये काफ़ी सारे ज़्यादा बिकते हैं, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा बनाते हैं यहाँ पे। चलो
के ट्राई कर सकते हैं। कहाँ है यार, तुम्हारा नसीबे खराब है क्या? अभिषेक मिश्रा अरे यार इनका दुई बार में दिखा रहे हमने भी अपना भविष्य दिखाने की कोशिश किया तो श्याम पक्षी ने सामने से आके मुझे मना कर दिया है कि आपका फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट इतना ज्यादा सिक्योर है कि इन पत्रिकाओं में वो मेंशन ही नहीं किया जा सकता। मैं नहीं मानता। इस समय हम लोग अमावा राम मंदिर के पास है, यहाँ के एंट्री गेट पे एक फ्री लॉकर सर्विस है जहाँ पे आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। अमावा राम मंदिर में फ़ोन कैमरा अलाउड है तो आप अपना फ़ोन ले जा सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे भोजनालय का भी प्रबंध है जो कि मंदिर की तरफ से ही है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट उसके लिए आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा, फिर लाइन में लग के आप भोजन का आनंद उठा सकते हैं। इस समय 10:45 हो रहा है और नॉर्मल पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है। अगर आपको खाना खाना है तो आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ का सामने रसोई करें, यहाँ से टोकन लेके आप महिलाओं के लिए ये लाइन है, पुरुषों के लिए वो लाइन है, उसके लाइन में लग के आप वहाँ अंदर जाके खाना खा सकते हैं। बट हम लोग को लेट हो रहा है तो हम लोग निकलेंगे श्री राम दर्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे फोन वगैरह अलाउड नहीं है। तो मंदिर के जस्ट सामने ही रघुपति लड्डू प्रसादम विक्रय केंद्र है, ये लड्डू आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। 400 रुपये किलो है और गाय के शुद्ध देसी घी में बनाते हैं, 300 रुपये किलो है गाय के शुद्ध देसी घी में बनाते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ अच्छे क्वान्टिटी में डालते हैं। ये है फ्री लॉकर सर्विस, यहाँ पे आप बैग नहीं जमा कर सकते, यहाँ पे मोबाइल पर्स अपना कीमती सामान जमा कर सकते हैं। और इसके जस्ट उस साइड जहाँ पे राम भगवान की एंट्री है मंदिर का, यहाँ पे भी एक लॉकर है बट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 रुपये पर लॉकर का, जिसमें लिमिटेशन भी है कि आप एक बैग एक मोबाइल एक हाँ एक इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य मंदिर में जाने के लिए आपको बहुत सारे सिक्योरिटी पैरामीटर को पार करना पड़ेगा, उसके बाद श्री राम लला की मूर्ति एक टेंट के अंदर रखा गया है। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत पत्थर आप देख पाएंगे जो आर्कियोलॉजिकल द्वारा खोजा गया है। और आपको बता दें कि इस समय हम उस स्थान पे है जहाँ श्री राम जी ने अपना पूरा बचपन व्यतीत किया था और महाराज दशरथ का यहाँ पे सभा लगता था, और ये वही जगह है जहाँ पे महाराज दशरथ ने श्री राम जी को 14 वर्ष वनवास का आदेश दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल जगह है। और इस भवन में आप प्रभु श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी का प्रतिमाएँ देख सकते हैं, और ये भवन सुनहरे रंग से पेंट हुआ है तो आप देख सकते हैं सुनहरे रंग काफ़ी ठीक है बाहर आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं यहाँ की इन्वायरमेंट की बात करूँ तो आप यहाँ पे पीसफुली बैठ सकते हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, बगल में लोग भजन करते हैं कीर्तन करते हैं और आप वहाँ पे बैठकर शांति से भजन कीर्तन का आनंद उठा सकते हैं बिना किसी रुकावट के।
प्रभु श्री राम जी का दर्शन हो गया, महाबली हनुमान जी का दर्शन हो गया और हम सभी लोगों ने एक ऐसे स्थान का अनुभव किया जहाँ पे प्रभु श्री राम जी ने अपना बचपन व्यतीत किया था। अब इसके पश्चात हम अयोध्या जंक्शन की ओर जाएंगे क्योंकि अयोध्या जंक्शन यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर दूर है और ये हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट वे होगा जौनपुर जाने के लिए। हम यहाँ से पकड़ेंगे जौनपुर के लिए ट्रेन और हम कुछ ही घंटों में जौनपुर पहुँच जाएंगे। और अगर आप भी किसी अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आप अयोध्या जंक्शन पे ही उतरे क्योंकि अयोध्या जंक्शन से जो भी डेस्टिनेशन होगा आपका प्रभु श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी दशरथ भवन कनक भवन ये सारे डेस्टिनेशन काफ़ी करीब हैं तो आप वहाँ से इजीली सभी जगह पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप अयोध्या कैंट या फिर अयोध्या रोडवेज उतरेंगे तो वहाँ से आपको लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, बाय रोड सफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो यहाँ की चीज़ें हैं वो वहाँ का दर्शन कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप अयोध्या जंक्शन पर उतरें और उसके बाद आप जो भी आपका डेस्टिनेशन आपने पहले से तय किया है वहाँ पे आके आप विजिट करें। हमारी जर्नी ख़त्म होती है यहाँ पे, तो हम लोग फिर के रवाना होंगे। मेरा एक्सपीरियंस अयोध्या को लेकर काफ़ी अच्छा था, हमने कई सारे घाट थे यहाँ पे वहाँ पे एक्सप्लोर किए, श्री राम जन्मभूमि गए वहाँ पे उनका एक बाल अवतार था, बाल रूप का प्रतिमा बना हुआ था वहाँ पे भी गए, दशरथ महल गए, ऐसे बहुत जगह गए हम लोग और काफ़ी यहाँ के जो लोकल फूड थे उसे भी ट्राई किए। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अब आपको बताना है कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।